नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आज हम बात करेंगे इंसोमनिया पर। इंसोमनिया, अनिद्रा। अनिद्रा आजकल एक आम समस्या होती जा रही है। अनिद्रा इतनी तेजी से बढ़ती जा रही है जिसके वजह से शुगर, बीपी, बहुत सारी बीमारी उत्पन्न हो रही है। इंसोमनिया आती कैसे है? ये मानसिक परेशानी है, जैसे हमारी बिजनेस व्यापार में नुकसान हो जाना, घर में कलह, बीवी बच्चे किसी से भी लड़ाई झगड़ा हो गई, या आजकल नवयुवक पीढ़ी में नशा बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। गांजा पीना, दारू पीना, भांग खाना, इस सब से दिन प्रतिदिन इंसोमनिया की पेशेंट बढ़ती ही जा रही है और यह पागलपन आ जाती है। अनिद्रा आएगी, नींद नहीं आएगी। हमारे पास ऐसे ऐसे पेशेंट आए हैं जो 3-3 महीने से नहीं सोए हैं, इस तरह के पेशेंट आ रहे हैं, और कल के डेट में वो पागल नहीं होंगे तो क्या होंगे? उसका मुख्य कारण है गांजा पीना, भांग खाना, किसी गलत चीज़ का आदत लेकर के उसके बाद वो टेंशन पाल लेता है। टेंशन से ही अनिद्रा आती है, इंसोमनिया आती है। इसका मुख्य मेडिसिन है जो आपके बीच हम अभी चर्चा करेंगे। होम्योपैथिक मेडिसिन में सर्वप्रथम रेस्क्यू रिमेडी। रेस्क्यू रिमेडी 30 पोटेंसी में आप 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम लेंगे। किसी भी घात, डर, बेचैनी, अचानक से उसके परिवार में एक्सीडेंट हो जाना, कोई बड़ी दुर्घटना हो जाना, जिसके बाद वो अनिद्रा का शिकार हो जाता है, उसे नींद बिल्कुल नहीं आती, वो बहुत दिनों से गांजा पी रहा है और अचानक से गांजा छोड़ दिया, अब वो गांजा पीना तो छोड़ दिया लेकिन उसे अब नींद नहीं आ रही है, इस समय बहुत बढ़िया काम करती है। रेस्क्यू रेमेडी एक ऐसी मेडिसिन है जिस पर हम विशेष रूप से अभी चर्चा नहीं करेंगे, किसी अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। चलिए, दूसरी मेडिसिन एक्विलाग्या वल्गरिस। एक्विलाग्या वल्गरिस 30 पोटेंसी में आप 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम इसे लगातार ले। ज़्यादा दिक्कत हो तो आप 3 टाइम ले सकते हैं, 3 टाइम लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। 30 पोटेंसी में अक्सर दवाई 3 टाइम ही लेना चाहिए। इसके बाद इग्नेशिया अमारा। इग्नेशिया अमारा 200 पोटेंसी में आप डायरेक्ट टंग में 2 बूंद सुबह और 2 बूंद शाम इसे आप यूज करें। इग्नेशिया अमारा बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है। देखिए, लक्षण तो अलग अलग होते हैं, बहुत सारे लक्षण हैं, लेकिन मुख्य अनिद्रा की यह बहुत बढ़िया मेडिसिन है। पैसिफ्लोरा इनकारनेटा। पैसिफ्लोरा इनकारनेटा क्यू? किसी भी कारण से अनिद्रा आती हो, इंसोमनिया हो गया हो, तो यह मेडिसिन आप लगातार यूज करें। इसे लेना कैसे है? पैसिफ्लोरा इनकॉर्नेटा क्यू में लेना है। इसे 20 बूंद सुबह मॉर्निंग में खाली पेट या खाना खाने के बाद आधे घंटे बाद आप आधे कप गुनगुने पानी में डालकर आप इसे ले लें। रात्रि में 40 बूंद। किसी भी कारण से अनिद्रा की शिकार आप हो गए हो, मानसिक संतुलन बिगड़ गया हो, तो आप पैसिफ्लोरा इनकारनेटा क्यू आप लगातार लें जब तक आप कंप्लीट ना हो जाते हैं। इसके बाद मेडिसिन है कॉफिया क्रूडा 200 में। कॉफिया क्रूडा 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम अब डायरेक्ट टंग में लें। जो भी दवा हम बताए हैं, यह दवा लक्षण के आधार पर बेहतरीन काम करती है। इसका लक्षण क्या है, किस कारण से अनिद्रा आई है, उस पेशेंट का क्या लक्षण है, उसके अनुसार ही आप इसे दवा लें। बिना चिकित्सक के सलाह के दवा नहीं लेना चाहिए। आप जो भी परेशानी में हो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर केशव कुमार यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करना ना भूलें, शेयर जरूर करें, अन्य व्यक्ति भी इसका लाभ उठाए।
बिना सलाह के भी अगर आप समझ गए हो तो आप लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद।